आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। दमोह जिले में एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि हमने डकैत मारे हैं, तेंदुआ क्या चीज है। मामला है दमोह जिले के देवरान गांव में, जहां फिर तेंदुए का आतंक जारी है, जहां पतैया विधायक बोली जल्दी पकड़ो वरना गांव के लोग अपनी लाइसेंसी बंदूक से मार देंगे। दमोह के देवरान गाँव में 5 दिन बाद एक बार फिर तेंदुए ने आतंक मचाया है। गाँव में तेंदुए ने हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। रविवार को लोगों को जैसे पता चला कि यहाँ तेंदुआ फिर आ चुका है, वह गुस्से में आ गए। उन्होंने चक्का जाम करने का मन बना लिया। जैसे ही इस बात की खबर पथैया विधायक रामभाई शेख परिवार को हुई, तो वह मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के साथ गांव पहुंच गई। उन्होंने वन अधिकारियों से साफ कह दिया कि यदि अब वह तेंदुए को नहीं पकड़ सकते तो गाँव के लोग जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं वह उसे मार देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य की जान नहीं गंवाएगा। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि वह अपनी बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तेंदुआ बार बार अपनी जगह बदल रहा है, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। रामभाई से परिवार ने कहा कि अमेरिका शायद विदेशों में ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है, फिर क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री बोले हमें मौका दो, हमने डकैत भी मारे हैं, तेंदुआ क्या चीज़ है। अधिकारियों ने जवाब के बाद मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री डॉक्टर कुसमरिया ने अधिकारियों से कहा यदि उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो उन्हें मौका दें, वह तेंदुआ को मार गिराएंगे, उन्होंने तो डकैत मारे हैं, तेंदुआ क्या चीज़ है। सुनते हैं क्या कहना है पूर्व मंत्री व विधायक का। अब आप लोग पकड़ नहीं पा रहे तो गाँव के लोग मजबूरन उनके पास हथियार भी मार देते, जहाँ हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि कोई भी अपने घर को व्यक्ति नहीं खोबो चाहता, ना बच्चा ना पति ना कोई घर को कोई भी व्यक्ति, क्योंकि 3 लोग 4 लोग ऐसे घायल हैं कि आर पार से दांत निकल गए, सिर के लाने बिल्कुल ऐसा कर दो, तो अब बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप लोग जब जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहे कि आप लोग किसी पर ना केस बन पाए बना पाओ, आप लोग ना कछु कर पाओ, क्योंकि 2-10-5 गाँव को इकट्ठे हुई हैं। अब स्थिति जा हो जाए कि भाई गांव की सबके पास हथियार है, सबके पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो घर घर है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो मजबूरी है दादा, जा बताओ क्या करो जा। नहीं नहीं, हम तो जा कह रहे ना कि आप नहीं कर पा रहे तो परमिशन दो ना, हम निपटा दे तो आपकी तो हम जो सर पकड़ने की जो सिस्टम है, जो वन विभाग का है, उससे बेस्ट कोशिश हम लोग कर रहे हैं तो पहले दिन से ही आप सिस्टम में हैं, जो हम अपना सिस्टम बता रहे हैं भाई, तुम्हारा सिस्टम तो तुमने बता दिया, अब जो हमारा सिस्टम यहाँ है कि हमारे क्षेत्र के लोगों हो, बच्चों हो, बुजुर्गों हो, नौजवानों हो, किसी को भी हानि हो, हमारा जो कहो है कि आदमी की जान जानवर प्यारी ने कहाई, जानवर की ज्यादा जान प्यारी का, ज्यादा प्यारी का। पिछले 5 दिन से आतंक किए हुए हैं, कभी यहाँ मिलता है कभी बिजोरा खमरिया में देखा जाता है, क्या मानती हैं आप और ग्रामीण बहुत परेशान हैं इसको लेकर क्या? कि बिजोरा खमरिया जैसे कितने दूर है, शायद 35-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें नहीं लगते आए कि कह रहे होते देखो जा तो रहते देखो जा, क्योंकि ये 5-6 दिन से नहीं परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, 4-5 लोगों के लिए तो बहुत बुरी तरीके से मतलब जख्मी भी करता हो, और आज सुबह भी तो तेंदुआ तो फिर रहे है बहुत समय से, हमारे देवरान तक चलो जाते हैं, जिन्ना तक चलो पूरे में जा रहे हैं फिर रहा है तरफ से, मतलब जो अभी तक उसके लाने पकड़ो नहीं गया है, तो कहूँ ना कहूँ शासन प्रशासन की लापरवाही है और तना मना नहीं है बहुत बड़ी है। अब ये बताओ आज के समय में कितनी बड़ी बड़ी एक से एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि आप अपने मुंबई दिल्ली से बैठ के सैटेलाइट से देखो जा सकत के कहाँ का है, लेकिन एक शेर चीता नहीं पकड़ो जा रहा हुआ है, तो ऐसी जय स्थिति है, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। और भाई मैं ऐसा नहीं है कि जानवरों की जान की कीमत नहीं करती हूँ, कि उनको उनकी भी मैं परवाह करती हूँ, पर
एक इंसान की जान और एक जानवर की जान में बहुत अंतर है, क्योंकि एक इंसान की जान की कीमत जानवर की जान की कीमत से बड़ी नहीं हो सकती है। तो आज स्थिति जा है कि पूरे दो तीन गांव बहुत दहशत में हैं। देवरान हेनौता भोरा से जो ऐसी रास्ता है 24 घंटा निकलने की, तो बहुत ख़राब स्थिति है लोगों की। बच्चे दहशत में हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, न दवाइयाँ डाल पा रहा है, न सिंचाई कर पा रहे हैं, ना जिनके घर में शौचालय नहीं है ना वो बाहर आ पा रहे हैं। बहुत बेहद की स्थिति बनी है। शासन प्रशासन से हम आओ विशेष तौर से कह वो है कि चाहे भोपाल स्तर पे बात करी जाए, चाहे दिल्ली स्तर पर इसको 24 घंटे के अंदर पकड़ो जावे और जद्दहशत ख़त्म करी जावे, कैसे भी करेंगे। हालांकि कर्मचारी जो दमों के हैं बहुत प्रयास में हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों में कहीं कमी नहीं है।